हाँ भाई लो, गुड मॉर्निंग। अच डे फोर की शुरुआत देखो, साडे जिहड़े ट्रैक पोल आ उन्हां डैमेज करन ते हो रही आ। किधर चलो निकलो। हाँ ब्रेकफास्ट करेंगे अज, देखते हैं की मिलता है। आप ब्रश वगैरह सारा फ्रैश हो चुके हैं। कातिया भाई कैसे हो? कल रात को हमने दबाया है मटन। हाँ भाई, उसके बाद सब लोग उठे। कैसे टेस्टी बना? पूरा बहुत ही टेस्टी मतलब नेचुरल, बिल्कुल पहाड़ी जो गोट होती है ना वो। आज उठा रहे हो एक और? देखते हैं। और भाई क्या, सुबह से आवाज आया पेट से। अलार्म क्लॉक भाजी और रोटी। हाँ भैया, भाजी और रोटी। आज लंच पैक्ड, लंच हॉट लंच मिलेगा आज। सही है भाई। काटिए भाई, ब्रेकफास्ट खान लग गए ने सारे। अज के दिन की ट्रैकिंग की आप तैयारी कर रहे हैं। पैर तो मेरे ब्लिस्टर्स होए ने, क्योंकि जो शू आ अनकंफर्टेबल से, पिछों थोड़े टाइट से, तो ब्लिस्टर्स हुण होए थोड़े जे होए ने, बट ज़्यादा ना हो। टेप ला ली है, तो बैग अपना पैक आ। हुण आपां भी अपने शू पाउने आ, तो टेंट उतार के अज की ट्रैकिंग करते हैं। जी अज की ट्रैकिंग आ बाली लंबी नहीं हैगी, बट 4 to 5 घंटे स्टिल है। जान तो पहला सारे अपने अपने टेंट उतार रहे ने। जिहड़े दोनों जाने ने बहुत ही सुपर फास्ट ने, सारे काम सब तो पहला करते ने। समझ नहीं ना लगा पंजाबी में क्या बोला हूं? नहीं को समझ आ गया। लग गया था? सही। अच्छा, समझ आता है आपको? बोलना नहीं आता है। मैं तो कुछ नहीं समझा। गुड मॉर्निंग बिलाल भाई, घोड़ा रेडी है मेरा? दिल बड़ा है आपका? अपने सिमर भाई भी रेडी हैं। सबसे पहले रेडी करते हैं, सबसे पहले रेडी होते हैं। ये भाई सबसे लेट करते हैं। भाई सबसे लेट करते हैं कि नहीं भाई? हो गया हमारा, हो गया आपका? सही, ठीक है भाई। इधर घोड़े वगैरह सारे रेडी ने, जेड़ा अपने टेंट का समान आज स्लीपिंग बैग ने, ये लैके जाएंगे अपने ने अगले कैंप तक। तो ताइयों घोड़े तो जल्दी जल्दी पहुँचा देंगे ने, तो अपने आने तो पहले सारा कुछ पहले ही सैट किया हों, लगा हों। तो हम आप भी अपना टेंट जोड़ा करते हैं, खिलारते हैं, तो इन्हों दें, तो क्योंकि अपने जोड़े बैग ने सारे कुछ पैक ने। इधर स्लीपिंग बैग वगैरह सारे लाते ने। हाँ टेको भाई, गुड टू गो। करूँ आज का क्लैप्स? करूँ टेंट? करोगे क्लैप्स? बैग में रेन कवर लगा दो। हाँ रेन कवर लगा लो। सिमर भाई इतना सैड क्यों? सैड मैं? हाँ मजाक कर रहे हो? इतना डीले क्यों? ऐसे कुछ सोच रहे थे? मैं सोच रहा हूँ क्या खूबसूरत वादियाँ हैं, 3 दिन के बाद हमको और एक बार शहर जाने को मिलेगा। अच्छा शहर जाने को मिलेगा, और ये सब हम मिस करेंगे। हाँ ये तो है भाई। वेदर चेक करो भाई, उधर सनी और उधर क्लाउडी। हमको जाना है जिधर हम, सही है, जिधर जिधर ऐसे जाना है उधर क्लाउडी है। और आपने सामान का ख्याल रखा कल से? मैं 3-4 की चीज उठा रहा हूँ, फिर मैंने वापस ले लिया। ऐसे अगर किसी का मोबाइल खो गया तो नामुमकिन, और इसको हो गया तो नामुमकिन है। ठीक है चलो स्टार्ट भाई। आज हम किस सर जाएंगे? 7 सर जाएंगे आज। जैसे चले 7 सर तक कितना टाइम लगेगा? इतना 5 घंटे, 4 to 5 घंटे लगेंगे। 9 to 10 किलोमीटर ट्रैक आज, तो शुरू में स्टीप हैगा, बट बाद में मैंने नहीं लगता अप एंड डाउन नॉर्मल ग्रेडियंट मिलेगा। कितनी लोकेशन मिलेंगी आज? आज 7। छोटा छोटा होगा ना, कल जैसा तो नहीं होगा? कल जैसा। सबसे कोल्ड है अभी तक से जो हम पास किए? सबसे ठंडा पास लगा। ठीक है, आज दी शुरुआत फेस स्टीप तो हुई है, तो नीचे देखो ग्लेशियर, तो नाल रिवर स्ट्रीम, तो वैदर बहुत वधिया हले तक।
ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨਿੰਗ ਮਨਿੰਗ ਪਸੀਨੇ ਕਢਵਾਤੇ ਹਲੇ 15 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਲਾਈਨ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਟੀਮ ਆ ਕੋਈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ POC ਹੈ LOC ਹੈ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਾੜ ਆ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਟੋਪ 'ਤੇ ਆ ਗੋਰਖਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਭਾਈ ਜਾਂ ਹਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ 4-5 ਘੰਟਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਹਮਾਰੀ ਟੀਮ ਕੋ ਤੋ ਆਪਨੇ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਮੇਂ ਕੀਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 1 ਘੰਟੇ ਮੇਂ ਸਹੀ ਮੇਂ ਬਤਾਓ ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਮੇਂ ਛੋਟਾ ਟੈਂਟ ਜਿਸ ਮੇਂ ਆਪ ਰਾਤ ਲੇਟਦੇ ਹੋ ਸੋਤੇ ਹੋ ਹਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਔਰ 1 ਮਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਮੇਂ ਪਹੁੰਚਾ ਹੂੰ 1 ਘੰਟੇ 1 ਘੰਟੇ ਮੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਅਰੇ ਵਾਹ ਸਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰਾ KGL ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਮੇਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 1 ਦਿਨ ਮੇਂ ਅਰੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਐਸਾ ਮਤ ਕਰੋ ਸੱਚੀ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਐਸੇ ਭਾਈ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੂ ਮਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਮੇ 6 ਦਿਨ 7 ਰਾਤ ਭਾਈ 1 ਦਿਨ 2 ਦੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਭਾਈ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਤਾ ਹੂੰ 2 ਦਿਨ ਮੇਂ ਆਪ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ 1 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਹਮ ਚਲਤੇ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤੇ ਚਲਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨਤਾ ਹੂੰ ਲੇਕਿਨ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੋਗਾ ਰਾਤ ਕੋ ਥੋੜਾ ਆਪ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੋ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਪਰ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਕੋ 6 ਵਜੇ ਹਮ ਨਾਰਾ ਨਾ ਹੋਗਾ ਸਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਂਗਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਫੁੱਲ ਦੇਖੋ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲੇ ਹੁਣੀ ਖਿੜੇ ਨੇ ਅਤੇ 1-1.5 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਡੇਢ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਫੁੱਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਯੂ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਐਵਰੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਯੂ ਸੋ ਐਕਸੈਪਟਿੰਗ ਵਾਸਨਟ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀ ਢਲਾਨ ਆ ਅਤੇ ਉੱਪਰ 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 ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਾਣਾ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਸਾਹ ਹੋ ਜੂਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸਾਹ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਆ ਅਰੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਲੈਣਾ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਲੈ ਹੀ ਜਾ ਬਸ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਲੈ ਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘੋੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੋਪ ਲੈ ਲਿਆ ਘੋੜੋ ਨੇ ਵੀ ਰੈਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਰੈਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਲੈਣੀ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਬ ਤੱਕ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਗੁੱਡ 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 ਸੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਸ ਨਾਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 1-2 ਗਰੁੱਪ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਲੇ ਸਾਰੇ ਹਲੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਲੈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 2 ਸਭ ਤੋਂ ਫਿਟੈਸਟ ਬਾਈ ਚਸ਼ਮਿਸ਼ ਔਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਾਈ ਬਾਈ ਕਿਸ ਟੀਮ ਕੇ ਲਈ ਖੇਲਤੇ ਥੇ ਆਪ ਬੰਗਾਲ ਕਾ ਕੌਨ ਸਾ ਟੀਮ ਹੈ ਸਟੇਟ ਟੀਮ ਕੇ ਬਾਈ ਸਟੇਟ ਟੀਮ ਕੇ ਲਈ ਖੇਲਤੇ ਬੰਗਾਲ ਕੇ ਲੀਏ ਔਰ ਬਾਈ ਕੋ ਮੈਨੇ ਬੋਲਾ ਹੈ ਬਾਈ ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਜੈਸੇ ਦਿਖਤੇ ਹੈ ਬਟ ਬਾਈ ਮਾਨਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਟਾਈਲ ਬਾਈ ਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਟਾਈਲ ਬਾਈ ਕਾ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇ ਹਮ ਰੈਸਟ ਕਰੇਂਗੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਓਕੇ ਬਾਈ ਬਾਈ ਅਰੇ 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 ਚੱਲ 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 ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜ ਦੇਖੋ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਲੱਗ ਬਿਊਟੀ ਆ ਆ ਪਾਜੀ ਸਿਮਰ ਪਾਜੀ ਸਿਮਰ ਭਾਈ ਇਹ ਹੋਈ ਨਾ ਬਾਤ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਜੇ ਅੱਜ ਬੱਦਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨੰਗਾ ਪਰਬਤ ਦਿਖਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੰਗਾ ਪਰਬਤ ਦੀ ਪੀਕ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਵੈਦਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਪਹਾੜ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਨੰਗਾ ਪਰਬਤ ਦੀ ਪੀਕ ਦਿਖਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ
आज अनलकी आप क्लाउडी हो गया थोड़ा, इस करके देख नहीं सकते। नहीं, क्लाउड्स ने पूरा कवर करता है। टॉप ते आ गए आप फिर एक बार दोबारा, तो जैकेट्स तो अंदाजा ला सकते हो कि इतने ठंड हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा। थले धुप सी तो बहुत गर्मी से पसीना कढ़िया सी, तो जैकेट पा ली है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा, पसीना जोड़ा निकले हुआ फिर बीमार होने के चांसिस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर आप जो हम दोबारा जावे तो 15 मिनट की रेस्ट लवेंगे तो फिर जैकेट उतारा बैग में पावे। इस करके मैं अपना बैग खुद कैरी कर रहा हाँ। तो ना आप लें रियल फ्रूट पावर, बहुत ही सोहनी जगह है यार। जितने मर्जी चल जाओ फोन तो ना मतलब कि जे पॉकेट के रहा ही नहीं, कोई ना कोई फोटो ले लो, कुछ ना कुछ शूट होंगे ही रहा है कि मतलब कि बंदा बोर नहीं होंगे। हूँ तक मतलब कि लास्ट 4 दिनों तक कोई भी इधर ही जगह नहीं होनी जितने बोर होया होना, एक भी इधर का पॉइंट नहीं आया जितने मैं बोर होया होव। मतलब कि मजे अलग कोई ना, हर चीज़ बदलती रहती है। हम इधर पहाड़ा के रंग देखो, इधर पहाड़ा की शेप होर आ, वो जगह ग्रीनरी है, इधर सारे पिछे उधर बर्फ के पहाड़ शुरू हो गए ने। तो मतलब कि यह कहने का मतलब इदा है कि बहुत ही सोहना ट्रैक आ। हाँ लंबा जरूर है बट मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा। जयेश भाई थकते नहीं हो आप? थकते नहीं हो? अगला हफ्ता फिर बुक है, लेकिन चलना पड़ता है सीजन के। अगला हफ्ता बुक है फिर ग्रुप के साथ? 24 मैं भी आ रहा हूँ नेक्स्ट वीक फिर से। आ रहे हैं दोबारा से? आ रहा हूँ, आ जाओ, वेलकम, आपके साथ जाऊँगा मैं। मैंने भी भाई उन लोगों को क्रॉस किया है, वही कि वही खड़े थे, वही खड़े थे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पगडंडी दे दो एक निकल जाएंगे, कसम से दो तीन है तो तीनों पे रुके। मैं पता क्या किया, वे फोर्स नहीं करते हैं, जबरदस्ती जबरदस्ती ऐसे जाना पड़ता है। रियाज भाई खाना दे दो, नाश्ता अच्छा था, चॉकलेट है, चॉकलेट खाएंगे, मंच मिला है, एनर्जी पूरी कर लो भाई। दोबारा से रीप्लांट कर रहे हैं अपनी बॉडी को। कौन ये भाई? ये वो नीचे जब से चढ़ाई चालू है ना, उसके पहले पिया था, बीच में एक ही बार बस पानी पिया बस, बाकी ऊपर बोला साले रुकूंगा निकालूंगा भाड़ में जाए जब तक होता है। क्यों गुस्सा क्यों है भाई, ऐसे क्यों देख रहे हो? और मुझे गुस्सा ही रहते है। निके निके रियाज भाई, निके निके रियाज भाई, निके रियाज भाई, निकी रियाज भाई, निकी रियाज भाई है ये भाई। किधर है पार? नंगा पर्वत के इधर मार्केट का है, उधर पार रख गया। अरे दो बोलते नंगा पर्वत उधर, ये बोलता है मार्केट भी है नंगा पर्वत का दिखता है भाई, मार्केट भी नहीं दिखता है, मार्केट कहाँ दिखता है यार, इतना बंदा है छोड़ता है ना। क्या भाई क्या भाई, फोन का है आपका भाई? कल तो बोले थे गाना शाना लगाओगे, पावर बैंक से रिचार्ज चार्ज भी किया है, गाना किधर है? किया चार्ज? करे किया तो है यार, नहीं किया 10% किया वो तो अलार्म में खत्म हो गया। मिड पॉइंट रुके हैं तो इधर अपन फिर स्टॉल मिले है, सारा कुछ है, लेस भुजिया वगैरह, सेंटर फ्रेश वगैरह, और ये भैया का स्टॉल है। चाय पीती है तो बहुत स्वाद बनाएगा जी ने। ये क्या रहा इसके साथ? टेटे मेटे, ये मैगी लगाना, कॉफी वन, नो आई वांट टू बाय द पैकेज कॉफी। भैया वो पैकेट मांग रहे हैं। कौन से? मैगी का कच्चा पैकेट मांग रहे हैं। कच्चा? हाँ कच्चा मांग रहे हैं, कच्चा पैकेट दे। हाँ सो यू वांट द रॉ पैकेट? यस या पैकेट दैट्स राइट। वधिया माहौल इत्थे दा, पर इत्थे जिहड़ा यार रेट है बहुत ही ज्यादा इक हुंदा ना सहंदा सहंदा, तो इतने बहुत प्राइस जरा 5 रुपए वाली चॉकलेट 80 रुपए की है। दो क्या लग रहा है आप? जल्दी इस, अरे भाई आपके दर्शन बड़ी देर बाद हुए भाई, कैसे हैं सर? सही है भाई, सही है, सही है, सही है, सही है, बढ़िया। बस स्टॉप स्टॉप स्टॉप, सामने वेदर बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा है, क्लाउडी है, तो जिथे अज आप जाना सत्सर इतने सब तो ज्यादा ठंड होनी है क्योंकि नाल लागे छागे ग्लेशियर का जो पानी है तो हवा है उन्हें ज्यादा ठंड कर देनी है। भाई कैसे हो? अरे भाई कैसे हो
बोलो क्या लेना भाई, अपने शॉप है भाई का, अपने भाई का शॉप है, बोलो बोलो कि नहीं भाई सही में भाई मैं आपका सेल करवाता हूँ, आप मेरे को कट देगा ठीक है भाई लो भाई क्या करने का अभी सब कुछ मिलेगा भाई। रास्ते में रुके हैं शहजाद भाई को बहने हैं 2 मिनट। शहजाद भाई कैसे हो? एकदम बढ़िया। देख भाई कितनी मेहनत से बना रहे हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल। ऊपर कितना मेहनत लगता है? और कैसी रही चाय? चाय बढ़िया थी भाई, पीली आपने? पीली? हाँ भाई सब पी लिया आपने। सामने पकौड़े लगे हुए हैं तो नाल मैगी तो बिस्तर भी इतने लाए हुए हैं क्योंकि ट्रैकिंग सीजन है तो स्टॉक में समान ले आते हैं तो फिर जिदा जिदा ग्रुप आते हैं इतने तो बेचते हैं। वधिया उन्होंने भी नाले पैसे बन जाते हैं उन्होंने भी 2-4 कि नहीं भाई बिजनेस। इतों साडा जिहड़ा अज का बेस कैंप हले भी 1.5 घंटे तो 1.5 घंटा लग जाना है। तो यार देखो बोल्डर पत्थर ही पत्थर सारा इलाका जिहड़ा, तो इधर नाल देखो लेक, लेक्स तो पता नहीं किन्नियां देख लिया ना, देख के मन ही नहीं भरता। तो वैदर सामने बहुत गंदा आ, तो धुप निकल रही है पर हल्की हल्की कणियां भी पै रही हैं। तो हुण आपां बोल्डर क्रॉस करते हैं तो बहुत ज़्यादा ने यार बोल्डर तो सीरीयसली इन्ने ज़्यादा ही मैं अज तक नहीं देखे है अपनी ट्रैकिंग जिन्नी भी ट्रैकिंग की अपनी लाइफ में। वही धुप निकल गई बहुत वधिया क्योंकि मैं जैकेट नहीं पाना चाहता सीगा क्योंकि जैकेट में फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगनी सी। तो उधर सामने हले भी फोटोग्राफियां कर रहे हैं आ नहीं रहे, तो मैं क्या आप चलते हैं अगे क्योंकि हले भी इतों 1.5 घंटा लगना जिते आप अज स्टे करनी है। तो जिते असं जाना है उ ठंड बहुत ज़्यादा होनी है जिते सतसर है जगह का नाम सतसर लेक। किधर दी जाइए इधर दी चलते हैं भरावा जाना। तो आप जाना है हूँ अपने राजेंद्र भाई वो सामने बैठे ने आप दिखाने तक चिल मार रहे भी नाल आप अपने ग्रुप को जाने हम इधर सारा रास्ता बोल्डर से बोल्डरस ने पत्थर ही पत्थर ने खत्म होने ही नहीं आ रहा। तो उधर सामने बर्फ जमी हुई है देखो सारे का सारा पथरीला रस्ता है तो अगे भी है सारा पथरीला ही पथरीला है सारे का सारा। मैं लगता जिते तक आप पहुँचना है अज आई पत्थर पास करके ही जाना पैना है। चलते हैं दोबारा फिर आप हुणे जिहड़ी तुसीं आवाज़ सुन रहे हैं उपर कोई स्लाइड हुई है पत्थर के डिगने की पत्थर वाले डिगन की आवाज़ सी तो जिहड़ी टॉप पहाड़ी देख रहे हो उत्थों आवाज़ आई है सारी। ओ निकलो इत्थों भरावा जल्दी जल्दी। सतसर विच 7 लेक्स पैंदियां ने तो जिहड़ी तुसीं सामने लेक देख रहे हो यह हैगी है 3। तो 2 आप पहला देख आए हैं तो 4 लेक्स होर ने जिहड़ियां आपां हले होर देखणियां ने अपने रस्ते विच। तो हैगी है 3 लेक बाला पानी नहीं हैगा बट 7 लेक्स पैंदियां ने सतसर नूं। तो उपर का वैदर देखो बाला ज़्यादा खराब आ। पहला तुहानूं जिहड़ी वीडियो दिखाई सी पिछे देखे ही है तुसीं पत्थर कितना गिर रहे सीगे जिहड़े लूज सीगे ते ऑलमोस्ट दिसमन भाई ये कितने किलोमीटर 1.5-2 किलोमीटर का बोल्डर ही बोल्डर होगा ना जो कवर किया हमने आराम से। हाँ आराम से हाँ 1.5-2 किलोमीटर जिहड़ा एरिया पूरा आप बोल्डर ने भरिया होया ही कवर करना अज आप फिर अपने आप बेस कैंप वाल जाना तो चलते हैं नाल दे नाल। क्या बोले भाई 4 दिन में आपका वेट लॉस हो गया ऐसा लग रहा है। अरे अच्छा है इसी के लिए तो आया हूँ मैं। बढ़िया बढ़िया। हाँ भाई अरे बड़ा एक्शन हीरो की तरह खड़े हो आप। कितना टाइम हो गया पहुँचे को? 20 मिनट 26 10 बीस सही है भाई सही है। अच्छा ये टेंट भी आ गए हैं। अरे वाह भी वाह लो भी टेंट खुद ही को लगाना है। खुद ही को लगाना है चलो वेट ही करते हैं इधर फिर कोई तो लगा के देखा कि नहीं। 2.5 किलोमीटर के बोल्डर पास कर दे फाइनली सानू अपने कैंप की लोकेशन है जी और दिख रही है इतों 15 मिनट हो रहे इतों बाद तो बाद दिखाने जी अज की कैंप की लोकेशन हैगी अज रहनी है ठंड क्योंकि तुहानू दस चुके हैं कि हलो ठंड रहनी है। चैक करो आले दुआले का एटमोसफेयर ठंड तो रहनी रहनी है। सतसर पर ऐसे नहीं ठंड रहती भाई वैदर ही ऐसा है।
अल्टीमेट लोकेशन ते पहुंच गए हैं ते सब तो ज्यादा ठंड इत्थे हुंदी है। हां जी बाजी दसो टेंट लगाना है टेंट ल अरे मैं उधर से आया अभी टेंट लगाना है अच्छा ये भाई किसका मेरा है अच्छा सत्संग दी बेस लोकेशन ते पहुंच गए हैं ते बेस लोकेशन ते पहुंच गए तुसी वेदर देखो सारे पासे क्लाउड्स ही क्लाउड्स शाइन ने पहला देखो तुम दिखाया सीगा पीछे सनी सीगा पर इत्थे वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा रहिंदा है क्योंकि अल्पाइन माउंटेन्स ने नाल ते बर्फ भी पिघलती रहिंदी है ते लेक्स ने ते आपां हुण कैंप ते पहुँचदे साडी जिहड़ी रूटीन है शुरू हो जाती है ते पहला ते कैंप लगे हुंदे आ ते अज आपां इहनां दी हैल्प करवाउणी आ ते साडा कैंप जिहड़ा हैगा आ जिहड़ा टेंट हैगा आ वाला हैगा टिक्कू भाई हमारे साथ हैं और बैग हमने अंदर रख लिया है अज असीं इत्थे सोवांगे साडी जिहड़ी लोकेशन है थोड़ी स्लोप ते आ ते होप वधिया नींद आ जावे ते सामने देखो घोड़े अपना काम कर रहे ने घा खा रहे ने ते इधर भाई मेरे हैं जो रियास भाई और ये सब टेंट लगा रहे हैं अभी मैं इनकी हेल्प कराने लगा हूँ वीडियो बनाने के बाद और इधर भी टेंट लग चुका है और मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। भाई आज का कैसा रहा? बहुत ही बढ़िया बढ़िया था एकदम एंजॉय किया। बोल्डर बोल्डर ही बोल्डर है ना बोल्डर तो कल है आज छोड़ी आज कितना किया है तू ऑलमोस्ट टू एंड हाफ किलोमीटर का बोल्डर किया है ब्रो सिमर ब्रो ब्रो व्हाट अ लोकेशन व्हाट अ लोकेशन इतना ठंडा लोकेशन भाई नहीं अरे कसम से यार कल आएगा मजा चढ़ने में चढ़ने में यहाँ पे चढ़ना है यहाँ पे बढ़िया लोकेशन है ठंड बहुत ज्यादा है आप बचा करेंगे इतने तो हम आप हेल्प करते हैं इन्हें टेंट लगाने के तो उस तो बाद तुम मिलेंगे आप बैटरी भी चार्ज लानी है साढ़ा जो पावर बैंक अभी खत्म होने वाला आई होप दो दिन होर जो पावर बैंक निकल जाए। क्या हाल है भाई जान? अरे नहीं 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 टेंट में नहीं घुसने का भाई अरे भाई सीधा जाने का कहती है भाई कैसे हो इतनी गर्मी में क्या कर रहे हो भाई क्या भाई जैकेट आपने नहीं पहना था पूरा पूरा रास्ता मैं ऐसे आया हूँ अभी जैकेट पहना है और तुम पूरा रास्ता जैकेट में आया हूँ क्या भाई राजेंद्र भाई एंकल सही है मस्त थोड़ा सा पेन है बस थोड़ा सा पेन है चलेगा सही है दौड़ेगा आया चलेगा दौड़ेगा चलेगा कल दिक्कत ना करे बस कल दिक्कत सही में कल थोड़ा डाउन है ना। अरे वहाँ कहाँ जा रहे अरे इधर लगाया यहाँ पे बिलाल भाई यार भाई उधर क्यों नहीं लगाया किधर वो उधर अल्टीमेट पूरा बराबर है ग्राउंड उधर नहीं इधर अच्छा है अच्छा है साइड साइड पर है हाँ सही स्लोप नहीं है इधर ज़्यादा नहीं है वहाँ पे थोड़ा स्लोप है अच्छा ठीक है वहाँ शोर होती है सर बाकी रात को सो नहीं पाएंगे अच्छा अरे मैं आज गिरने की पूरा एकदम प्लानिंग करते चलूं ये लास्ट बार ही है बस इसमें इसके इसके बाद मत गिरना पैरों का हाल देख लो पीछे ब्लिस्टर्स होए ने बस ठीक है आज हवा लगाने हैं जिन्नी देर खुले रहन उन्ना ही वधिया क्योंकि कल जड़ी है डे 5 दी ट्रैकिंग अभी बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि फिर स्टीप होना है तो अपने टेंट के सामने का व्यू देखो कितना सोहना है तो अपना भाई भाई लोग हमारा स्लीपिंग बैग लेकर आया भाई थैंक यू वेरी मच थैंक्स आ जाओ मेरा भाई तो हम आप समान करेंगे अनपैक तो अपनी जगह तो इतने सैट करेंगे तो अपना मोबाइल भी आप पावर बैंक से चार्ज लाने देखते कितने डंडे रह गए हाई एल्टीट्यूड तो वैदर बहुत जल्दी चेंज होता है जिते पहला कुछ भी नहीं दिख रहा सगा तो हम तुम देखो नाल दे माउंटेन्स ने देखो किन्ने क्लीयर दिख रहे हैं क्लाउड कवर जो चक्या गया है तो धुप थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की निकल चुकी है तो बहुत ही सोहना लग रहा तो हम आप जाना है लंच करन लंच में मेरे ख्याल राजमा चावल है टिक्कू भाई बोल रहे हैं ऐसा बाकी पता नहीं है राजमा चावल है फिर सही है। हेलो सब लोग दबाकर खाएंगे कल के लिए राजमा चावल अभी इतनी बढ़िया लोकेशन मिल जान तो कितना नजारा है लोकेशन तो दिखाओ पाजी पाजी इतना वाल लोकेशन दिखाया है ना ऑडियंस मजा लगे पूरा अरे भाई चकना तो ये होता है भाई पापड़ बेस्ट चकना है पता अरे
कांदा, थोड़ा सा प्याज, टमाटर, थोड़ा सा गरम मसाला, नींबू। हाँ हाँ हाँ, क्या याद दिला दिया यार। Look back and see. हाँ, देखो कहाँ से आए। देखो वहाँ जाना भी है वापस। वो देखो कुछ नहीं दिख रहा है उधर। भाई लोग वो ऊपर जाने का बोल रहे हैं। हाँ भाई, बस नहीं उधर टेंट है, टेंट लगेगा उधर। उधर उनका घर है, रहना चाहिए यार। एक खोर लेक लेकिन चल रहे हैं जी। इतने बहुत ही ज्यादा मेन है कैंप साइड तो साढ़े अद्धा पौना घंटा, नहीं अद्धा घंटा हैगी है, पर एनर्जी जी है बहुत ही घट है। हम हौली हौली करके सारे जने जा रहे हैं। कहाँ ले आया भाई लेक? बोला कि पास में है। ये पास में, ये बगल में। अच्छा, थोड़ा सा कि ऊपर चढ़ना पड़ेगा और? नहीं नहीं, ये कोई अलग ही। अच्छा क्या आधा किलोमीटर, पाँच दस मिनट के रास्ते हैं। लेक आएगा भाई? पांच मिनट बोल बोल के 5 किलोमीटर चला दिया है। शहजादे सच बोल, अब सब ऑडियंस देख रहे तेरे को। मैंने वो बोला था लेक, तो आप खुद ही नीचे को जा रहे हो, मैं सीधा रास्ता। अच्छा ऊपर जाएगा? ऊपर जाएगा। चल फिर, राजमा चावल जो खाया है सारा अब डाइजेस्ट होएगा। पापड़ के साथ, पापड़ के साथ। भाई नहीं है, यही लेक है। नहीं नहीं नहीं, सच्ची में मैं इसको देख रही, राजमा चावल खा के इधर आया। यही है भाई, वो भी बैठ गया इधर। शहजादा देख ले, वो ऊपर पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। वो बोल रहे गटसर पास देखना है, दोबारा से देखना है। कुछ नहीं है उधर, नहीं है ना? नहीं है। हाँ कम, अरे क्या नहीं यार। फाइनली भाई लोग हम वो लेक पहुंच गए हैं जहाँ गिने चुने लोग आते हैं। ये लेक देखने का मौका बहुत गिने, ये लोग हैं जो देख रहे हैं और मैं हूँ। इस लेक तक पहुँचने के लिए 45 मिनट्स लगते हैं बेस कैंप से, और इतना सारा बोल्डर पास करने जा देखना जाता है। सामने देखो कितना मस्त व्यू है भाई। ये एक ऐसा लेक है मेरे ख्याल से अब तक 300 या 400 लोगों ने देखा होगा। सही है भाई? ज़्यादा है? 50 लोग बस। उनमें से 19 सामने भाई, आप अंदाजा लगाओ कितना शानदार व्यू है। अरे भाई मैं उन खुश मिजाज लोगों से मिलाता हूँ आपको जो इस ब्यूटी का हिस्सा है। Hi guys. Everybody go to your own planets. चलो चलो ऊपर चलते हैं भाई। मैम कैसा लग रहा है आपको? अरे वाह मैम, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? ऐसा फील हो रहा है कि ना इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। अपने आपको खुश मिजाज समझ रहे हैं? कैसे वो लोग उधर बैठे हैं, हम इधर आए हैं, देख लो। अरे ये है भाई कश्मीर की ब्यूटी, यही है भाई कश्मीर की ब्यूटी, यही है भाई। ये श्रीनगर वालों ने भी नहीं देखी, श्रीनगर किसी ने भी नहीं देखी। ये रिजवान भाई का, रिजवान भाई और उसकी गैंग ने देखा है। क्या कलर है कसम से भाई, कलर तो ऊपर आकर पता लगता है। ये जो इंसान ऐसे पोज दे के फोटो खिंचा रहा है, अरे वाह। इस बार भाई मैं तो बोल रहा हूं कैमरामैन के आगे से हट जाओ, मेरा कैमरामैन। व्हाट ए व्यू, वाह वाह वाह, कसम से मजा आ गया भाई। हैं तो वीडियो दोनों आ रहा है। हाँ तो मैं ले लिया ना, देर से फोटो भाई, इधर तो फूकना बनता है। बिलाल भाई क्या खिला रहे हो इनको? गुड इसका नाम भी रखा है कोई? हाँ इसका नाम हो गया सुंदर। सुंदर, अरे वाह। इसका नाम स्पेस वाले का नीला। नीला सही है भाई, सही है। घोड़े की डाइट है, गुड़ देखो कितना खा रहे ने।
नहीं यू शर्ट काट जाओ कुड़ी। अरे वो देख तो सही, ओ वाह, वो खाने नहीं दे रही उसको। क्या बात है भाई। ये रहता है